अमीशा पटेल फसे एक कोर्ट केस दे विच ते उहनां दे उत्ते कीता गया वारंट जारी ते इहदी पूरी कहानी सुनो तुसी मेरी जुबानी। पहली मेरी अज की सलाह कि असी जो किसी के नाल कमिटमेंट करते हैं ना उन्होंने जरूर पूरा करना चाहिए। अगर असी कमिटमेंट पूरा नहीं करते तो असी फस सकते हैं वड्डे वड्डे केस के विच। जी हाँ, हो सकता कि साडा कमिटमेंट पूरा ना करके कोई सामने वाला हो जाए इन्ना गुस्से दे विच कि तुहाडे ते कर देवे केस। हो सकता हुण नूं कुछ भी हो सकता। मैं तुहानूं दस दी ना अजकल की डेट के चमत्कार होंदे ही रहिंदे आ। तो तुहानूं मैं दस देवां जी, अमीशा पटेल जिन्हां ने जाना सी अहमदाबाद एक मैरिज के करना सी उन्होंने डांस परफॉर्मेंस। तो मैं तुहानूं इह वी दस देवां कि उन्हां दी जिहड़ी कंपनी ने उन्होंने हायर किया सी उन्हां दा नाम है पवन वर्क ड्रीम विजन कंपनी, जिन्हां ने अमीशा पटेल नूं हायर किया सी मैरिज दे विच डांस करन लई। ते पवन ड्रीम विजन कंपनी ने 11 लाख रुपए अमीशा पटेल नूं दित्ते सीगे। पर होया ये कि अमीशा पटेल दिल्ली तक तो पहुँचे लेकिन अहमदाबाद गए ही नहीं। होया ये कि दिल्ली दे विच इन्ना ज़्यादा क्राउड दे के अमीशा पटेल डर गए। ये मेरी कहानी है, वैसे मैं बहुत सीरियस हो जाती हूँ ना समटाइम। नहीं नहीं, इदा नहीं होया। होया ये कि दिल्ली तक पहुँच गए अमीशा पटेल तो उन्होंने कॉल करके कहा कि दिल्ली तो अहमदाबाद का रस्ता बहुत ही ज़्यादा मैनू लंबा पै जाना, दूर पै जाना, तो इस करके मैं 2 लाख रुपया होर चार्ज कराँगी। लेकिन पवन जी ने करता मना, उन्होंने कहा हूँ असी नहीं देने 2 लाख, साड़ी गल हुई सी 11 लाख की, वो असी तुहानू दे चुके हैं। पर अमीशा पटेल जी जी वो तो फिर हीरोइन है। हीरोइन तो सुनता ना कि असी तो कुछ भी कर सकते हैं, असी तो मतलब किसी भी कुछ भी, यू नो। हाँ, वही हिसाब है जी, तुसी समझ गए। तो अमीशा पटेल बिना ही दसे दिल्ली तो वापस चले गए। वो डांस परफॉर्म मैरिज च करन आए ही नहीं, तो उस कंपनी का हो गया बहुत ही वड्डा नुकसान। तो अहमदाबाद इस कंपनी ने अमीशा पटेल ते करता केस। जी हाँ, केस कर दिता, लेकिन हजे तक उन्होंने वो पैसे मिले ही नहीं। केस की डेट ते ना पहुँचन करके उन्होंने वारंट जारी किया गया। तो हुण 20 अगस्त 2022 नूं उन्हां नूं बुलाया गया अहमदाबाद केस वास्ते। कि हुण देखो जी, हुण मैं तुहानूं पहला भी दस चुकी हाँ कि जिहड़ी तुसीं कमिटमेंट करदे हो ना वो पूरी करो। अमीशा पटेल ने कीती नहीं, 11 लाख फरार ही हो गए। एक तरह से तो फरार ही हो गए ना, उन्होंने अपनी कमिटमेंट भी पूरी नहीं की, 11 लाख भी लै गए तो वह वापस भी नहीं किए, वह हजे तक वापस नहीं किया गया। तो हुण देखो, हुण जिहड़ा केस है वो 20 अगस्त 2022 नूं उन्हां नूं अहमदाबाद जाना पैना। अगर वो नहीं गए तो फसन के बहुत ही वड्डी मुसीबत दे विच, क्योंकि पहला भी डेट दे विच अहमदाबाद पहुँचे नहीं सी, इसे करके उन्होंने वारंट जारी किया गया। हुण देखते हैं जी अगे हुंदा की है। पर मैं तुहानूं दस्सां, अमीशा पटेल के नाल होर भी कई लोग सी जिहड़े कि इस केस के विच फस गए, जिन्हों का नाम है सुरेश कुमार, राजकुमार गोस्वामी, तो एक होर नाम है जी अहमद शरीफ। जी हाँ, अहमद शरीफ जिन्हां ने नाल ही नाल अमीशा पटेल भी सी, ये सारे जने एक केस के फसे हुए हैं। 11 लाख लैके गए बज, तो हजे तक नहीं दिता उस कंपनी नूं 11 लाख वापस। बड़ी गलत गल है, इदा होना नहीं चाहिए। कमिटमेंट करो तो पूरी करो, अगर नहीं भी कमिटमेंट पूरी करनी तो अपनी जुबाना या जो भी तुसी लिता वापस कर दो भाई, की जो जरूरत है। हुण अमीशा पटेल जिहड़े कि इन्ने कि ज़्यादा बिजी अपनी लाइफ दे विच अपने करियर नूं लैके, तो उन्हां को कते पैसों का घाटा जिहड़ा कि 11 लाख उन्होंने वापस ही नहीं किया। खैर छोड़ो, हुण अमीशा पटेल की गल है, हुण वह की सोच के गए होने या हुण सानू की पता। खैर तुहानूं मैं दस देवां कि अमीशा पटेल जिहड़ी कि गदर टूर दे विच बहुत ही जल्द सानू दिखण वाले आ सनी देओल दे नाल। उड़ जा काले कावां, हाँ सनी देओल नाल फिर वो करनगे गदर टूर दे विच, ते बहुत जल्दी सानू अमीशा पटेल दिखणगे फिल्म दे विच। ते फिलहाल वो बहुत बिजी है शूटिंग दे विच, तो देखते हैं जी कि हुण अहमदाबाद जाके वो इस केस नूं सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते। ये रिपोर्ट मैं तुहानूं बहुत जल्द दे दांगी। तो होर भी इदां दीआं गल्लां सुनने वास्ते जुड़े रहो द TVNRI एंटरटेनमेंट दे नाल ते मेरे नाल। सत श्री अकाल, गुड बाय।